इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्लाईवुड या फिर लकड़ी के ऊपर मेटेलिक गोल्ड पेंट कैसे किया जाता है। इसमें मैं आपको दो तरीके करके दिखाऊंगा ताकि अगर आपका बजट कम है तो भी आप इस तरीके से पेंट कर सकते हैं। सबसे पहले लेना है हमें पट्टे वाला रिंग वाल 80 नंबर या फिर 100 नंबर का, और उसको अच्छी तरह से रगड़ देना है। जिस भी चीज पे आप कर रहे हो, लकड़ी पे कर रहे हो तो लकड़ी को अच्छी तरह रगड़ देना है ताकि पूरा बराबर हो जाए, कहीं पर ऊंचा नीचा ना रहे। इस तरीके से रगड़ के पूरा बराबर कर देना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो रगड़ाई होने के बाद में इसके ऊपर प्राइमर करना है। प्राइमर देखिए, मैंने एक वाटर बेस्ड प्राइमर लिया हुआ है, या फिर आप चाहें तो कोई सस्ते क्वालिटी का पेंट भी ले सकते हैं प्राइमर की जगह पे। और इस तरीके से इसके ऊपर मार देना है। इसको पतला करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कम बजट में काम करना है तो आप ये वाटर बेस्ड प्राइमर प्रयोग कर सकते हैं, और ये वाला तरीका आपको घर के अंदर वाले हिस्से में ही प्रयोग करना है जहां पर धूप और पानी ना पड़ता हो। बाकी जो दूसरा तरीका बताऊंगा उसको अंदर बाहर कहीं भी किया जा सकता है। दूसरा देखिए, हमारे पास है HD कंपनी का डीको प्राइमर है। ये देखिए PS ग्रे प्राइमर, और ये इसका थिनर है डिको थिनर, या फिर आप चाहें तो PU प्राइमर का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो इसको बना लेना है। इसको पतला करने के लिए NC थिनर मिक्स करना पड़ता है 1 लीटर में लगभग 300 या 400 ग्राम तक। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। उसके बाद में इसका प्रयोग करना है। इसको चाहे तो आप स्प्रे से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ब्रश से भी मार सकते हैं। तो मैं अभी इसमें ब्रश का ही प्रयोग करूंगा, बाकी जो लास्ट में पेंट करेंगे वो स्प्रे गन से करेंगे, क्योंकि वो पेंट ब्रश से नहीं होगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर मार देना है। उसके बाद में इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर हल्का सा रेगमल लगा के इसके ऊपर डबल कोट अप्लाई कर देना है प्राइमर। तो इसी तरह से इसके ऊपर डबल कोट करके उसके बाद सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में रेगमाल लगा लेना है इसके ऊपर 320 नंबर या फिर 400 नंबर का, जिससे कि इसमें जो दाने वगैरह हों कट जाएं। और दोस्तों ये है हमारी ईबुक, इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में, और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये लगभग 20 पेज की ईबुक है। इसको खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया होता है पॉलिश पेंट करना सीखें, उस लिंक पर क्लिक करना है, सीधा बुक पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करना है, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब हमें डीको पुट्टी लेनी है, जिसके ऊपर हमने डीको प्राइमर मारा था उसके ऊपर हमें डीको पुट्टी करनी है, उसकी रिपेयर करने के लिए, उसकी नस भरने के लिए। तो देखिये, मैंने 2 इंची की पत्ती ली हुई है। अब पूरी जगह पे इसको खींच देना है ताकि इसकी नस भर जाए और जो होल हो वो भी बराबर हो जाए। जहां पर बड़े होल हो वहां पर हमें 3-4 बार करने पड़ेंगे, तब जाके होल बराबर होंगे। तो इसी तरीके से इसके ऊपर एक कोट करने के बाद में इसको 10-15 मिनट सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद में इसके ऊपर डबल कोट करेंगे। अब दूसरी हमने चाक मिट्टी ली है, देखिए चाक मिट्टी पाउडर है, और इसमें हम मिक्स करेंगे वही प्राइमर जो हमने पहले मारा था, प्राइमर या पेंट वाटर बेस्ड। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको बना लेंगे इसी पेंट या प्राइमर से। ये हमारा सस्ते वाला तरीका है, बाकी वो जो दूसरा है वो हमारा महंगा पड़ेगा। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इंटीरियर में। अब इसके ऊपर इसी तरीके से खींच देना है ताकि इसकी नस भर जाए और जो यहाँ पर होल वगैरह हो वो भी बराबर हो जाए। ये इंटीरियर में बराबर काम करेगा, बाकी बाहर वाले हिस्से में ये काम नहीं करेगा, जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर में धूप और पानी नहीं पड़ता है इसलिए खराब नहीं होता है जल्दी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद में हमें दोनों के ऊपर डबल कोट करना है। ये देखिए, ये डीको पुट्टी, इसको भी डबल कर लेंगे। एक जो लाइन सी दिख रही है उसको हमें ज़्यादा भरना पड़ेगा, क्योंकि वो बराबर नहीं हुई है अभी, तो उसको 3-4 बार भरना पड़ेगा तब जाके वो बराबर होगी। ये चाक मिट्टी वाली फिलिंग है हमारी। तो इसी तरह से पुट्टी करके इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में रेगमाल लगाना है। चाक मिट्टी के ऊपर हम सूखा रेगमाल लगाएंगे 320 या फिर 400 नंबर का, इस तरीके से, ताकि पूरा लेवल बराबर हो जाए, कहीं पर ऊंचा नीचा ना रहे। और जो हमारा डीको पुट्टी वाला है उसको हमें पानी से रेगमाल लगाना पड़ेगा, वह सूखा नहीं कटेगा क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो देखिए, ये हो गया। अब दूसरा पानी लेना पड़ेगा हमें दूसरे को रगड़ने के लिए। तो पानी से इसको रगड़ना है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ये बराबर करना पड़ता है और कटने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो इसको अच्छी तरह से रगड़ देना है, पूरा बराबर कर लेना है।
उसके बाद में कपड़े से साफ कर लेना है इसको, पानी पूरा सुखा लेना है, फिर हमें इसके ऊपर पेंट अप्लाई करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक कोट प्राइमर और मार सकते हैं, अभी मैं इसमें प्राइमर नहीं मारूंगा, बाकी आप चाहें तो मार सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर पेंट करने वाले हैं। देखिए मटेलिक गोल्ड पेंट है, आप कलर कोई भी ले सकते हैं मटेलिक में। ये कलर आपको बनवाना पड़ता है, जिस भी कलर का चाहिए हो आपको तो बना के दे देगा दुकान वाला। और मटेरियल को पतला करने के लिए इसमें थिनर मिक्स करना पड़ता है, थिनर आपको ज़्यादा नहीं यूज करना है, इतना यूज करना है कि गन से आसानी से निकल जाए माल। और इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके हमें 2 या 3 कोट करने पड़ेंगे, तब जाके इसकी सफाई बढ़िया आएगी। तो देखिए सिंगल कोट हमारा ये हो गया है, अभी तो इसको थोड़ी सूखने के लिए छोड़ देंगे, इसको पूरा सुखा लेंगे। देखिए अभी सूख चुका है पूरा हमारा। अब इसके ऊपर हम रेक माल लगा लेंगे हल्का हल्का। रेक माल आप 320 नंबर या फिर 400 नंबर का प्रयोग करें इसके ऊपर, इस तरीके से, ताकि दाने दूने कट जाएं। और उसके बाद में इसके ऊपर सेकेंड कोट अप्लाई करना है। ये सेकेंड कोट है। इसी तरीके से अगर आपको थर्ड कोट मारने की जरूरत पड़ती है तो आप इसके ऊपर थर्ड कोट भी मार सकते हैं रेगम लगा के। तो देखिए अभी हमारा इस तरह का हो गया है ये डबल कोट में। अब इसको अगर आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें साइनिंग नहीं होगी। बाकी अगर आपको साइनिंग करनी है तो इसके ऊपर आपको क्लियर कोट करना पड़ेगा साइनिंग के लिए। बाकी अगर आप ज़्यादा साइनिंग नहीं चाहते हैं, हल्की फुल्की साइनिंग तो इसमें होती है मेटेलिक पेंट में, बाकी ज़्यादा हाई ग्लॉस फिनिश में नहीं होता है ये, तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई करना होता है। थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में इसके ऊपर रेग माल लगाना है, रेग माल वही 320 या फिर 400 नंबर का। उसके बाद में इसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई करना है। ये देखिए जो कार के ऊपर लगता है क्लियर कोट, वही मारना है इसके ऊपर। इसको बनाने का तरीका है 800 ml बेस में 200 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तो थिनर। और इसको मारने से पहले आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लें, कहीं पर धूल मिट्टी ना हो, क्योंकि 7-8 घंटे तक सूखेगा नहीं, उस बीच में अगर धूल मिट्टी आ गई तो इसमें चिपक जाएगी। और इसको कपड़े से छान के ही प्रयोग करना है गन में, तो इसी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके भी आप 1 या 2 कोट कर सकते हैं, अगर एक कोट में पूरी सफाई नहीं आती है तो इसके ऊपर आप सेकेंड कोट भी मार सकते हैं सूखने के बाद में। जब यह 7-8 घंटे में सूख जाए तो इसके ऊपर 320 या फिर 400 नंबर का रेगमल लगा के इसके ऊपर इसी तरीके से सेकेंड कोट अप्लाई कर देंगे। और ये देखिए ये वंडा कंपनी का है, आप कंपनी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। क्लियर कोट होना चाहिए, मैं इसमें किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप अपने मार्केट में जाके पता कर लें कि कौन सा अवेलेबल है, उसका प्रयोग करें आप। तो देखिए मैंने क्लियर कोट मार दिया था इसके ऊपर, तो इस तरह की साइनिंग हो गई है हमारी। मैंने सिंगल कोट ही किया है, बाकी अगर आप डबल करेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें साइनिंग आएगी, और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी इसमें। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसमें अगर आपको दूसरा कलर करना चाहते हैं तो दूसरा कलर भी कर सकते हैं, सारे कलर अवेलेबल है मार्केट में। तो ये देखिए ये LCD के साइड में किया था मैंने, तो इस तरह की साइनिंग है इसकी।